दिस इज राजन सिकरी एंड काफी डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की सर रीडिंग टिप्स होने चाहिए। आज मैं फर्स्ट वीडियो लेके आ रहा है विच इज बेस्ड ऑन MCQs। काफी डिफिकल्टी आती है सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अंदर, कई बार लग रहा होता है कि चारों ऑप्शन ही आंसर बन सकते हैं, शायद पन्नी ऑप्शन भी होती तो मैं आंसर क्लिक कर दूंगा। केड़ी केड़ी स्ट्रैटेजी मैं यूज कर सकता हूं MCQs नू सॉल्व करने के लिए। पॉइंट नंबर वन टू बी नोटेड, जो भी असं MCQs सॉल्व करने हैं हमेशा एक पॉइंट जरा कि सब तो पहले मेन तेरे दिमाग के अंदर होना चाहिए है, सेम वर्ड और सेम नंबर और सेम फिगर कैन नॉट बिकम द आंसर। जनरली स्टूडेंट मैंने कहते हैं कि सर बी ऑप्शन से लिखा सी इनवायरमेंट, सेम वर्ड रीडिंग पैसेज च भी हैगा सी। सर ऐस करके मैं आंसर क्लिक करता, बट रिमेंबर दिस थिंग, सेम वर्ड सेम नंबर और सेम फिगर कैन नॉट बिकम द आंसर। उन्हें का रीजन की है जान बुझ के इनवायरमेंट लिखा होगा, इनवायरमेंट बी ऑप्शन भी दिता होगा, इनवायरमेंट रीडिंग भी दिता होगा, बट ए वाले इनवायरमेंट का टेंस कुछ और होगा, रीडिंग अंदर टेंस कुछ और चल रहा होगा। कई बार लिखा होगा बी ऑप्शन अंदर 1991, सेम 1991 जड़ा है रीडिंग अंदर भी होगा, दैट कैन नॉट बिकम द आंसर, वो आंसर नहीं बन सकता, जान बुझ के तुम कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन एड की हुई है। सो हमेशा याद रखना कि हाँ जी जिथे सेम वर्ड आ गया जोड़ा कि रीडिंग च भी गिवन है एंड ऑप्शन च भी गिवन है, सेम नंबर जोड़ा कि रीडिंग च भी गिवन है ऑप्शन च भी गिवन है, सेम फिगर जोड़ी कि रीडिंग च भी गिवन है या ऑप्शन च भी गिवन है, वो कभी आंसर नहीं बन सकते। दिस इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर सेकेंड टू बी नोटेड व्हेन सॉल्विंग MCQs, चेक द टेंस ऑफ ईच ऑप्शन, हर एक ऑप्शन का ही टेंस चेक करना। बी वाली ऑप्शन अंदर शुड लगाया हुआ है, सी वाली ऑप्शन अंदर इन्हें कैन लगाया हुआ है, कैन दे पूरी रीडिंग चे यूज नहीं किया, शुड पूरी रीडिंग चे यूज नहीं किया, रीडिंग कड़ी टेंस च गई है ते ऑप्शन कड़ी टेंस च गई ने, यह चीजा नू मैच करना भी बहुत जरूरी होंदा कि इत्थे आ ते नहीं है, उत्थे पास्ट टेंस चल रहा है, इत्थे प्रेजेंट टेंस चल रहा है, इहदे नाल भी काफी ईजी हो जाता कि मैं किहड़ा आंसर मार्क करा, किहड़ा आंसर क्लिक करा, किहड़ा आंसर क्लिक ना करा। लास्ट पॉइंट टू बी नोटेड व्हेन सॉल्विंग MCQs इज दैट रीड द टाइटल बिफोर क्लिकिंग एनी आंसर। टाइटल रीड आउट करना बहुत जरूरी है। टाइटल रीड आउट करना क्यों जरूरी है? सपोज द टाइटल इज अबाउट चिल्ड्रन, सारा पैराग्राफ चिल्ड्रन बारे सी, बी ऑप्शन अडल्ट बारे गल करती पी है, हुन अडल्ट वर्ड यूज होया नहीं क्योंकि सारा टाइटल सारा चिल्ड्रन बनेगा। इन दिस केस पूरी लाइन सेम होगी, रीडिंग अंदर मिल जाएगी, पर जान बुझ के उन्हें अडल्ट लगाया होगा। सो जो भी असी जरा गया क्लिक करना आंसर अपना, हमेशा टाइटल रीड आउट करना, टाइटल रीड आउट करना, उस तो बाद वो टाइटल मैच होना चाहिए ऑप्शन के नाल, जड़ी ऑप्शंस गिवन ने कि वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व MCQs। नेक्स्ट क्लास के अंदर असी जड़ा गया असी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स फिलअप्स यह चीजा भी अही वीडियो रिकॉर्ड करांगे, एंड आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, सबसक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।